वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड जिसने भी यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो हमारे को यार ओरैंगउटान के जो तीन नए सीसी होने वाले हैं उनसे रिलेटेड कुछ हिंट्स वगैरह देखने को मिले थे, जिसमें उन्होंने फर्स्ट के लिए लिखा था शी लव्स पिंक कलर, एंड सेकंड के लिए ही लव्स आरपी एंड फैन ऑफ रेगल टॉस, एंड थर्ड के लिए उन्होंने लिखा था शी लव्स इंस्टा फिल्टर। एंड आप लोगों को क्या लगता है कि ये तीन सीसी कौन रहने वाले हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी गेसेस बता सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है एक्सकाली को लेके, तो फाइनली जो एक्सकाली है उन्होंने ज्वाइन कर लिया वीएलटी, एंड आप लोग अपनी स्क्रीन पे वो देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो आईफ्लिक है उन्होंने कुछ स्टोरीज वगैरह डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, जिस पे उन्होंने बात करी थी सरकार के बारे में, एंड उन्होंने इस पे एग्जैक्टली क्या बोला था वो वाली क्लिप आप लोग देख लो। उठा गाइस, डीएम बहुत ज्यादा गालियों से भरा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग सच अ हेट। मे बी इसलिए होगा K47 अपना स्टोरी पे मेरा नाम भी डाला हुआ था। सो आई एम जस्ट गोना से दैट कि मैं कहीं पे भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को। ऑफकोर्स गलती किया है और HH की सरकार ने ही गलती किया है, उसको स्ट्रिक्ट एक्शन पहले ही लिया गया था, बट सोशल मीडिया पे थोड़ा लेट अपलोड हो गया यार। बट मैं तुरंत उसको बोला था यार लाइक सस्पेंड होगा ही तू, और बेसिकली मेरा बोलने से मतलब हो ही गया था। द थिंग इज दैट कि यार आई एम नॉट, यार मेरे को मत करो प्लीज़। सी दूसरी चीज़, कम्युनिटी चाहता है कि इस यू नो बंदे को निकाल के भाई कम्युनिटी को क्लीन रखे एंड ऑल एक्स वाई जेड। देखो कम्युनिटी ऑफकोर्स यार इट्स गुड थिंग, बट मैं सोच रहा हूँ कि भाई उसको निकाल के क्या क्लीन होने वाला है क्या। इंस्टेंट मैं सोच रहा हूँ उसको मेंटर करे, उसको गाइड करे, मैं इधर हूँ उसके सामने हूँ, मैं उसको देख पा रहा हूँ, इज रियली सॉरी फॉर इट। सो आई एम होपिंग दैट कि यू नो आई कैन गाइड हिम, आई कैन डू दिस, दैट्स वाई। नॉट लाइक मेरे को ही गाली पड़ रहा है, एक्चुअली पूरी BGMI टीम को, हमारे लाइनअप को गाली पड़ रहा है। एंड पता नहीं HH की यू नो DMs में कितना कुछ आया होगा अभी तक। यार कम्युनिटी साफ, जैसे मैंने बोला मैं एक बड़ा भाई बनना चाहता हूँ यहाँ पे, एंड बिकॉज वो मेरे साथ यहाँ पे रह रहा है इस बूट कैंप पे, मैं उसको देख पा रहा हूँ, और ही इज रियली रियली सॉरी यार। देखो लिटरली मैं बोल रहा हूँ, तो वाई नॉट लेट्स गिव लाइक अ सेकेंड चांस, ये वाला सोच है मेरा वाला, यू नो पहली बार हुआ है, 18-19 ईयर्स ओल्ड एज है वो, एंड ऐसे चीज़ों में मैं चाहता हूँ कि लेट्स नॉट तुरंत यू नो मार के भगा के क्या मिलने वाला है लाइक ऐसा सीन। इसमें कम्युनिटी साफ होने से बेहतर होगा कि उसको समझाऊँ, उसको बताऊँ ये गलत है ये सही है क्या, एकदम यू नो पूरी तरीके से गाइडेंस गिविंग, शोइंग एम ए ब्राइट पाथ, एंड दैट विल बी मोर मच्चर एंड मोर बेटर इफ दैट कैन बी डन ऑन हिम एंड इट कैन बी चेंज, एंड वो ज़्यादा साफ रहेगा यार। एंड इसके बाद जो आईफ्लिक है उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो फाइनल डिसीजन है इस मैटर पे वो बन चुका है, एंड दोनों पार्टीज का कंसेंट इसमें ले लिया गया है, एंड जो भी रहने वाला है वो अपनी स्ट्रीम पे बताने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे को इससे रिलेटेड क्या अपडेट देखने को मिलेगी। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है ओवेज को लेकर, तो जो ओवेज है उन्होंने बात करी थी अपने BGMI के लाइनअप पर, साथ में उन्होंने गेम के बारे में भी बात करी है, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। ये गेम कब आएगा यार, सब जैन जैन कर रहे हैं बट अभी मेरे को तो आइडिया नहीं है, ठीक है सब जैन जैन बोल रहे हैं, होपफुली आ जाए जैन में, सब वेट ही कर रहे हैं जैन में आ जाए। और हम लोग से ज़्यादा मुकाबला कोई नहीं है गेम को फिर से टूर्नामेंट और सब अच्छे तरीके से खेलने के लिए। आप पता है कौन सा न्यू डिवाइस है, iPhone 14 20 लाइनअप हमारी, मैं रंजीत और आकाश और नेक्सस तो चारों ही है, और अभी ऐसा कुछ टीम का चल रहा नहीं है बिकॉज गेम का कोई सीन नहीं है, गेम का कुछ अपडेट नहीं है। जैसे ही गेम का कुछ अपडेट आएगा तो मैं टीम का भी अपडेट डालूंगा, टेंशन मत लो। TMDC फाइनल विनर प्रेडिक्शन। एंड इसके बाद जो नियो है जब वो स्ट्रीम कर रहे थे तो उनकी स्ट्रीम पे भी हमारे को देखने को मिला, जिसमें वो बोल रहे थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट में, वो वाली क्लिप आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जोकर है भाई वो, अच्छा जाने का मन नहीं है तेरा, गॉब्लिन के दिल में एंड इसके बाद काफ़ी लोग गॉब्लिन से भी बोल रहे थे घर लेने के लिए, तो इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा जिसमें उन्होंने रिवील कराया कि वो पहले भी एक घर ले चुके हैं, वो वाली क्लिप आप लोग देख लो। फ्रेंड्स तो बहुत है, मतलब मैं सोच रहा हूँ घर ले लूँ, बट मम्मी बोल रही कि तू रुक जा अभी फिलहाल, थोड़ा देखते क्या सीन है, गेम आए तो अपन अच्छा ही ले और बेटर ले लें ना, मतलब घर मतलब इन द सेंस फ्लैट, बंगलो नहीं फ्लैट, नॉर्मल
मतलब ऑलरेडी एक घर ले चुका हूँ मैं गेमिंग के पैसों से। हाँ एक ले चुका हूँ, छोटा लिया, मतलब तुम लोग का ऐसा नहीं करोड़ वरोड़ का, बट हाँ ले चुका हूँ। और एक लेना का सोच रहे हैं, मेरी मम्मी बोल रही कि गेम आने दे फिर बड़ा ही ले लेंगे बहुत, तो मैं बोला ठीक है, क्योंकि मतलब एक्स्ट्रा लेके रख रहे फॉर रेंट देने के लिए, असेट्स टाइप ऐसा टाइप। बाकी देखते हैं अभी क्या सीन है, सीन तो मतलब अच्छी ठीक ठाक है, मतलब अच्छी नहीं बोलूँगा। एंड इसके बाद जो गोडल गुरु हैं उन्होंने भी बात करी थी BGMI की डेट्स के बारे में, उन्होंने बताया था कि अभी ऐसी कोई फाइनल डेट नहीं आई है, तो वो वाली क्लिप आप लोग देख लो। और गेम आने में थोड़ा सा टाइम है, बस थोड़ा सा टाइम है, बट गेम ज़रूर आएगा। ये बिल्कुल भी जो भी ख्वाबो ख्यालों में से तुम्हारे डाल रहा है ना कि अरे गेम नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, गेम ज़रूर आएगा। ये तो 100% है गेम आना है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देख रखी हैं। कुछ चीज़ें जो मैंने देखने के बाद डिस्कस भी किया अपने बूट कैम्प में, एंड यस दैट वाज ऑल लेजिट। सो मेरे को तो पक्का पता आ रही है गेम, डेट किसी को भी नहीं पता है, एंड जो भी डेट बता रहा है वो फेक डेट बता रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे सामने डेली घातक भाई बैठते हैं जिनका बहुत एक्सट्रीम कॉन्टैक्ट है, तो उनसे पहले कोई भी नहीं बता सकता है, और मैं उनके साथ रहता हूँ तो मेरे को ही नहीं पता रहेगा तो क्या बात है। मेरी खुद की भी क्राफ्टन में बात होती है। एंड इसके बाद जो रेगल टॉस है उन्होंने बताया था कि वो बूट कैंप पे जाने वाले हैं, जो भी मैटर था वो सब सॉल्व हो चुका है, एंड इससे रिलेटेड उन्होंने बात करी है, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। बूट कैंप कब जाओगे यार? मैं बूट कैंप जाऊंगा, ये कुछ काम है दो तीन इधर निपटा के, 8 8 तारीख को बूट कैंप जाऊंगा, फिर शायद मैं एक दिन या कुछ 6 7 दिन के लिए मैं घर आऊं, शायद शायद अगर कोई बंदा मेरे को मेरा दिया हुआ काम कर दे तो। नेक्स्ट ट्रिप कब? बस मैं मामा को मैनेज कर देता हूँ, फिर मैं ट्रिप पे चला जाता हूँ। ठग भाई, अरे वेलकम ठग, कैसे हो? देख रहे हो गाइस, येलो पोर्शे के बाद येलो में सुपर चैट, ठीक है भाई, लाल वाल पोर्शे खरीदो यार, लाल सुपर चैट। रेडुल ठग ईगरली वेटिंग फॉर नेक्स्ट प्लान पेन क्लैश इवेंट, ठीक है भाई। बाय द वे गाइस, मैं गोवा गया था, तो जब मैं पहुंचा अगले दिन मिला मैं अपने खोए हुए दोस्तों से, 3 घंटे से 4 घंटे मीटिंग चली है, एक बंदा कॉन्स्टेंटली मेरे अगेंस्ट था, वो नेक्स्ट स्ट्रीम पे उसकी पता चल जाएगा क्यों, शायद क्या पता गुस्सा निकले ना निकले। तो बस गाइज यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना।